जीवन प्राधिकरण योजना के कारण हमारे गांव के हमारे खुद के पानी के रिसोर्स छोड़कर हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। जीवन प्राधिकरण ये हमारे गांव के साथ साथ 25 गांव को पीने का पानी पहुंचाती है, लेकिन देखा जाए तो ये पानी मिनरल वाटर के दाम पे हमें बेचा जा रहा है। प्राधिकरण वालों ने हमें कंपलसरी 2100 रुपये का डिपॉजिट, नल लेने के 1500 रुपये अलग और सालाना पानी पट्टी 1000 रुपये दी गई है। तुम्ही कनेक्शन घे की घ्यावा घ्यावाले आते लईस मागतात त्या पैसा कथा घेता येईल। किती पैसा मागत? 2100 रुपये रोकडा भरायला लावतात त्या मग अगोदर वरलं खर्च पाईपलाईन ना आलं खर्च ते पैसा भराशिव तुम्ही पाणी द्यावत नाही मग कसं करशात? आधी आठवण सर्व घालणंच पडत नाही या नळा सर पहिले सार्वजनिक नळ होतात ना? हा पहिले सार्वजनिक होतात पाहते त्याची खाजगी कर टाक बंद कर टाक त्याची। पहले हमारे गांव के पीने के पानी की ज़रूरतें गांव की टंकी कुएं से हो जाती थी और सालाना 70 रुपये में हम चाहिए उतना पानी उपलब्ध करा पाते थे। सार्वजनिक नल के स्टैंड हर चौक में रहने के कारण हर गरीब वंचित सबको पानी मिल पाता था, लेकिन वो सार्वजनिक स्टैंड बंद कर दिए गए हैं और जीवन प्राधिकरण वालों ने किसी भी तरीके से सामाजिक हित ध्यान में न रखते हुए ठेकेदारों के माध्यम से पानी बेचने का धंधा कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक परिस्थिति से कमजोर लोग पानी से वंचित होकर संकट में जी रहे हैं। पानी कसा आणतो सगळे पानी मग कोणा वेळी रावण्या करीन गावात येईन अंदाज ना मग नाही दिलं मग वापस येऊ आणि नंतर मग जाऊ ना येर गाव येर किती दिवस नाही पाणी ते पाणी कारण 4-5 दिवस येणार येस मग आंघोळे पाणी राहत नाही ना पिवाले 2 दिवस मग खालास पाणी जायचं आंघोळे पाणी कुठे राहत। रोजाना नहाणे कपडे धुणे के लिए अब तो सपने जैसा हो गया है। सायने महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे इंडिया अनहड के लिए।